सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चाणक्य का एक सर्वश्रेष्ठ श्लोक जो उनकी नीति का एक सबसे अच्छा श्लोक माना जाता है और ये सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा श्लोक है, यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि सफलता की प्राप्ति कैसे होती है। चाणक्य की नीतियाँ बहुत ही महान है और वर्तमान समय में यह सटीक बैठती है। ये नीति उस लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने लक्ष्य का निर्धारण करके रखा हुआ है। चाणक्य की नीतियाँ सामान्य नहीं है, क्योंकि यही नीतियों के बल पर उन्होंने एक सामान्य बालक चंदू को अखंड भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था और अखंड भारत की स्थापना की थी और क्रूर राजा जिसे हम धनानंद कहते हैं उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। तो यही जो उन्होंने नीतियाँ दी है वो चाणक्य ने अपने अनुभव के आधार पर दी है, इसलिए इसको समझना बहुत ही अच्छा है। जितना आप इसको समझेंगे, जो इसका पालन करता है पूर्ण रूप से कभी भी अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहता। चाणक्य नीति के छठे अध्याय का 16वां श्लोक, श्लोक है प्रभुतम कार्य मल्पवातन नरह कर्तुम इच्छति सर्वारम्भेण तत्कार्यम सिंहादेक प्रचक्षते। इसमें चाणक्य ने एक एग्जाम्पल दिया है कि आप लोगों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से काम करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य सभी के होते हैं, सफलता उसके ऊपर आधारित है कि आपके प्रयास कैसे हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक सिंह पूरी ताकत लगाकर अपने अपना शिकार करता है, उसी प्रकार से आप लोगों को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम की शुरुआत करनी चाहिए। यानी कि सफलता तब निर्धारित हो जाती है जब सिंह पूरी ताकत से अपने शिकार के ऊपर झपटा मारता है, तो सिंह की सफलता तभी निश्चित हो जाती है। तो चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें उस पे हमें पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए और पूरी मेहनत से पूरी लगन से हमें उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, तभी सफलता निश्चित होती है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि निराशावादी विचार जिसके होते हैं वो लोग कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, या तो जो लोग मन से ही निराश होते हैं उन लोगों के लिए संभव ही नहीं है कि वो किसी भी प्रकार का लक्ष्य प्राप्त कर पाए। अगर आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं, छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, एक आदत आप डाल दीजिए कि कार्य करने में आप शेर जैसे बनिए। जिस प्रकार से शेर अपना शिकार करता है उसी प्रकार से पूरी ताकत से पूरी लगन से छोटा सा छोटा या बड़ा कोई भी कार्य हो आप लोग उसकी शुरुआत करेंगे, तो तभी आपकी सफलता निश्चित हो जाती है जब आप दृढ़ संकल्प लेते हैं मेहनत करने का। तो चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि लक्ष्य का निर्धारण करना अलग बात है और उसके लिए कार्य करना अलग बात है। किस प्रकार से लक्ष्य को प्राप्त करना है कि पूरी क्षमता के साथ आपको आपका कार्य करने की शुरुआत करनी है, तभी आप लोग सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को आप प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।